हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप कि अब तो आपकी नीट की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपके पास में है बायोलॉजी की हर चैप्टर की अब ऑडियो बुक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एंड लास्ट जो चैप्टर आपका बचा हुआ था क्लास ट्वेल्थ का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आज वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। और इसके बाद जो सीधे आएगी वो आएगी आपकी कंपाइल्ड ऑडियो बुक। एंड आई होप कि उन ऑडियो बुक्स को आप अपने दोस्तों के साथ में भी उतना ही शेयर कर रहे होंगे जितना कि आप खुद यूज़ कर रहे होंगे। आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही आज मैं हिंदी की भी एनसीईआरटी बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कर पाई हूँ। कछुए की चाल से ही सही, बट फाइनली हो गई है कंप्लीट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हो गई फाइनली। क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस आते थे, जो कमेंट आते थे, उसको देख करके मुझे लगता था कि नहीं, ये मुझे बच्चों के लिए करना है, और फाइनली वो मैंने कर लिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट। एंड चलिए, आज ये लास्ट चैप्टर है, इसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। पूरी एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट करके आप लोगों के लिए ऑडियो बुक को रेडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3, मानव जनन। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी गैमिट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है यानी जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से अंतररोपण, भ्रूणी परिवर्धन और शिशु के जन्म की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। 3.1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़े टेस्टिस सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेन्द्रिय शामिल होते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे हम स्क्रॉटम कहते हैं। स्क्रॉटम में टेस्टिस के तापमान को 2.5 अप्रॉक्सीमेटली कम रखने के लिए सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। चित्र 3.1 आप देख सकते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली सेल्स जर्म कोशिकाओं को पोषण यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं को बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल्स पुंजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रवित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिका यानी वास एफरेंशिया और एपिडाइडमिस और शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस होते हैं। चित्र 3.1 बा, लेट मी शो यू, ये आपका चित्र 3.1 बा। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, जो मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाह्य स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यानी यूरेथ्रल मेटस कहते हैं।
पेनिस पुरुष के बाहरी जननेंद्री हैं। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो पेनिस के उद्घर्षण या इरेक्शन में सहायता प्रदान करता है और इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग पेनिस यानी ग्लैंड्स पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे फोरस्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज यानी फल शर्करा और कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रीशन मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन और लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। 3.2 स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट और एक यूट्रस और एक सर्विक्स तथा एक वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। 3.3 दिस इज द डायग्राम। ये शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं। जनन क्षेत्र तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां यानी मेमोरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसमें फलस्वरूप ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक यानी ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। चित्र 3.3 बा, ये आपका डायग्राम है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु यानी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथिलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। ये पीठिका दो क्षेत्रों, एक परिधीय वल्कुट और एक आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है। अंडवाहिनियाँ गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएँ बनाती हैं। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जो कीपक कहा जाता है यानी इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस इन्फंडिबुलम के किनारे कुछ अंगुली सदृश प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें फिम्ब्री कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणुओं का संग्रह करने में ये फिम्ब्री सहायक होते हैं। इन्फंडिबुलम आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग स्थमस में एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय से जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है, इसी में इसे वोम भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती के आकार जैसा होता है। ये श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली स्तर को पेरिमेट्रियम, मिडिल वन को मायोमेट्रियम तथा आंतरिक ग्रंथल स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेन्द्रीय के अंतर्गत जघन शैल यानी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन तथा क्लाइटोरिस आदि होते हैं। मॉन्स प्यूबिस वसा में ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है, जो त्वचा और जघन भालों से ढकी रहती है। इसके बाद लेबिया मेजोरा ऊतकों का मांसल फोल्ड है, जो जघन शैल के नीचे तक फैले होते हैं, जो योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लेबिया माइनोरा ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे हाइमन कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। क्लाइटोरिस एक छोटी सी अंगुली सदृश रचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनि छिद्र प्रायः पहले संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टेम्पोन या फिर घोड़े के चढ़ने, साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का हाइमन संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए हाइमन के होने अथवा ना होने के बाद से किसी भी स्त्री की वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना है, जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन में ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों यानी मेमोरी लोब्स में
विभक्त तो होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है जो कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तनवाहिनियां मिलकर के एक वृहद स्तन दुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी यानी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिससे दूध स्तन से बाहर निकलता है। 3.3 युग्मक जनन। प्राथमिक लैंगिक अंग। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जनन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समानागुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु यानी स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। चित्र 3.5, दिस इज द डायग्राम। शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर के स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणुजनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणुजनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित यानी एम्बेडेड हो जाता है। अतः जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वीरसेचन यानी स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौवना आरंभ से होने लगती है क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH के स्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है और दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजेंस के संश्लेषण और स्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और जो कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना करें। ये एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष ग्रीवा और एक मध्यखंड और एक पूंछ की बनी होती है। चित्र 3.6, ये आप डायग्राम देख सकते हैं स्पर्म का। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में दो में एक दीर्घीकृत अगुणित केंद्रक होता है और इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। एक एग्रोसोम उन एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्यखंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन की क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्र नलिकाओं में मौजूद शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण शुक्रवाहक शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन यानी एंड्रोजेंस बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहते हैं जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। ऊजेनेसिस की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान होती है जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी उगोनिया प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होती हैं और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध होती हैं। इन
प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं ग्रैन्युलोसा सेल्स की परत से आवृत होती हैं और इन्हें प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। एक प्रक्रिया के द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक ह्रास होता रहता है। इसलिए यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए थिकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। ये सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी एक टर्शरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को एंट्रम कहा जाता है और यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। थीका लेयर थीका इंटरना तथा थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होता है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है, पोलर बॉडी। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के कोशक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य की मात्रा में संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हो? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 3.7 ये डायग्राम है ग्राफियन फॉलिकल। अंडाशय की आरेखी काट है और यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। ग्राफियन फॉलिकल भी है, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटम आगे के भी डायग्राम्स हैं। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल फटकर द्वितीयक अंडक की अंडाशय को से मोचित करता है और इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्रजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्रजनन और अंडजनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। 3.8 आ एवं बा ये आपके दोनों डायग्राम दिए गए, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मादा प्राइमेटो यानी बंदर कपि एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे मेनार्क कहते हैं। स्त्रियों में यह आतर्व चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म की बीच घटना चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक एग उत्सर्जित होता है, यह अंडोत्सर्ग होता है। आतर्व चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 3.9 में दर्शाया गया है। ये 3.9 डायग्राम है। आतर्व चक्र की शुरुआत आतर्व प्रवस्था में होती है, जबकि रक्त स्त्राव होने लगता है। यह रक्त स्त्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्त स्त्राव के कारण गर्भाशय की अंतःस्थ परत तथा उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल स्टेज के बाद पुटकी प्रवस्था आती है। इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्थ पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशी हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रवस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन का स्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रवण को उद्दीपित करता है। LH तथा FSH दोनों ही आतर्व चक्र के मध्य अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफियन फॉलिकल को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित यानी अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के पश्चात पीत प्रवस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का बचा शेष भाग कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह कॉर्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्ट्रॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतःस्थ को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
इस प्रकार गर्भाशय अंतस्थ निषेचित अंडाणु को अंतरोपण तथा संगर्भता के अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। संगर्भता के दौरान आतर्व चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता तो पीत पिंड में हास यानी कॉर्पस ल्यूटियम में हास होता है और यह अंतस्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है यानी महावारी पुनः होती है। स्त्री में मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है और इसे रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर के रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। 3.5 फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान पेनिस द्वारा शुक्र यानी वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, अंततः अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुँच जाता है, जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुँच जाएँ। यही कारण है कि जिससे कि सभी संभोग क्रियाएँ निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुँच पाती हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है 3.10 और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्त्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु यानी डिम्बाणु प्रसू या ओटिड बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ फ्यूजन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट की रचना होती है और एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो एक्स या फिर वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में एक्स लिंग गुणसूत्र और दूसरे 50% शुक्राणु में वाई गुणसूत्र लिंग होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात जाइगोट में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से कौन सा अंडाणु के साथ में निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु और जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 5 में सीख सकेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से कहना असत्य है कि शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं जिसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को मोरूला कहते हैं। यह मोरूला लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह में ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े होते हैं जो अंतर कोशिकाओं यानी इनर सेल मास कहते हैं। अब पोषक कोरक स्तर गर्भाशय अंतस्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी के आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतस्तर में अंतःस्थापित एम्बेडेड हो जाती हैं। इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। 3.6 सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पुष्पकारकों पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विलाई गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं जिन्हें प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है।
यह प्लेसेंटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, जो अनेकों हार्मोनों जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिंग नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोन्स के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह बाह्य त्वचा नामक और एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा के बीच जल्द ही मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतरकोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएँ जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों व ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। सगर्भता के विभिन्न 9 महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में अवधि कितने महीने की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के 2 माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होते हैं। 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की संरचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं वाय जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना सामान्यता देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं और आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। 3.7 प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या पार्ट्यूरिशन कहा जाता है। पार्ट्यूरिशन एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी पेशी क्रिया पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है? स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु के आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। लैक्टेशन के आरंभिक दिनों के कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं। सारांश, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एवं सजीव प्रजक या विविपेरस है। इसके पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, नर लिंग सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेन्द्रियां शामिल हैं। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं और इन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 तक उच्च कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के भीतरी सतह शुक्राणुजनों और सर्टोली सेल्स से स्तरित होती है। शुक्राणुजनों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं विभाजित होने वाली जन्म कोशिकाओं का पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर लेडिक सेल्स एंड्रोजन का संश्लेषण और स्त्रावण करती हैं। पुरुष के बाहरी जननेन्द्रियों को शिश्न कहा जाता है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि, बाह्य जननेन्द्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां होती हैं। अंडाशय से मादा युग्मक तथा कुछ स्टेरॉयड हार्मोन पैदा होते हैं। अंडाशयी पुटक अपने
परिवर्धन के विभिन्न चरणों में पीटिका में अंतर स्थापित होते हैं। अंडवाहिनी गर्भाशय और योनि स्त्री की सहायक जनन नलिकाएं हैं। गर्भाशय की दीवार में तीन स्तर होते हैं जिन्हें परिगर्भाशय स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतःस्तर कहते हैं। स्त्री के बाह्य जनन इंद्री के अंतर्गत जघनशैल, वृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, यौनिच्छिद और भक्षेप शामिल है। स्त्री की स्तन ग्रंथियाँ उसकी एक गौण लैंगिक अभिलक्षण है। शुक्राणु जनन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है जो पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित किए जाते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में एक शीर्ष ग्रीवा, मध्यखंड और एक पूंछ होती है। एक परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। मादा प्राइमेटों के जनन चक्र को आतर्व चक्र कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत स्त्री के लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर ही होती है। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु मोचित होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय तथा गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन्स के स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। मैथुन के अंत में शुक्राणु योनि से स्वयं संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका की संधि स्थल की ओर वाहित होते हैं। यहाँ शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है और इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। शुक्राणु में मौजूद एक्स या वाई गुणसूत्र के कारण लिंग का निर्धारण होता है। भ्रूण के युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि ब्लास्टोमेयर्स का निर्माण होता है। ये ब्लास्टोमेयर्स गर्भाशय की भित्ति में अंतरोपित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। 9 महीने तक गर्भधारण के पश्चात गर्भ पूर्ण रूप से विकसित और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है जो कि एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होती है जिसमें कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन शामिल है। सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शिशु जन्म के बाद इससे दुग्ध स्रवण होता है और जन्म के बाद प्रारंभ के कुछ महीनों तक माता नवजात शिशु को दुग्ध स्तनपान कराया जाता है। और इसी के साथ आपका फाइनली क्लास 12 का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि इस चैप्टर ने आपकी बहुत मदद की होगी, ऑडियो बुक ने आपके रिविज़न में ज़रूर हेल्प की होगी। तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करना और अगर अच्छा लगे तो इसे एक लाइक भी करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब सीधे कंपाइल्ड ऑडियो बुक में। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून विद मी। बाय बाय, टेक केयर।